my God! तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट के ऊपर गाइस। तो आज वीडियो में लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट में गाइस, देख सकते हो काफी ज्यादा ऑसम इंचेंटमेंट मोड गाइस। तो आप लोग देख सकते हो अभी मेरे फॉर्चून में आया, यहाँ पे फॉर्चून एक्स लगा हुआ है, शार्पनेस एक्स की बुक है, रिस्प्रेशन एक्स की बुक है, फॉर्चून यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्स की, लूटिंग फाइव की, रिस्प्रेशन एक्स की गाइस, शार्पनेस एक्स या लूटिंग फाइव के यहाँ पे मेरे लगा हुआ इंचेंटमेंट सॉर्ड में गाइस। और देख सकते हो यहाँ पे मेरे पिकेक्स में भी लगी हुई है फॉर्चून एक्स की इंचेंटमेंट गाइस। तो अगर आप लोग भी ये सारे इंचेंटमेंट बनाना चाहते हो, क्राफ्ट करना चाहते हो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, काफी इजीली आप लोग क्राफ्ट भी कर सकते हो इस वर्ल्ड को, सभी चीजें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहना, अगर स्किप करोगे तो पता नहीं चलेगा गाइस। तो चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो क्या कर दो, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस शुरू कर लेते हैं वीडियो को, सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारी चीजें आप लोग सर्वाइवल में कैसे ले सकते हो, क्योंकि सर्वाइवल में इस एडऑन को खेलने में मजा है गाइस। तो देखो मैं सर्वाइवल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये एंचेंटमेंट टेबल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है ओवर एंचेंटमेंट टेबल। तो इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस वैली बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग को गोल्ड चाहिए होगा, ऑक्सीडन चाहिए होगा, नॉर्मल एंचेंटमेंट टेबल चाहिए गाइस। आप लोग उसके साथ एक ट्यूटोरियल बुक भी बना सकते हो जिसमें आपको सभी चीजें बता देगा गाइस। तो ठीक है, तो अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हो बना सकते हो, वरना मत बनाओ इसको, क्योंकि मैं बताता हूँ इसको देख मैंने मेरे को कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, मत बनाना ठीक है। तो उसके बाद देखो ये एक्सपीरियंस वायल बनाने पड़ेगी आपको। तो एक्सपीरियंस वाइल बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप की एक यहाँ पे ग्लास बनानी पड़ेगी। चलो उसको क्राफ्ट कर लेते गाइस। तो उसके लिए चाहिए आपको यहाँ पे ग्लास और यहाँ पे एक लैपिस का ब्लॉक लैपिस चाहिए होगा गाइस। तो ये तो मैंने बना लिया एक्सपीरियंस वाइल। अब एक्सपीरियंस वाइल को आपको भरना पड़ेगा गाइस। तो भरने के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पे एक्सपीरियंस। तो गाइस एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसे भरना है गाइस। तो आप लोगों को तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ले लेते एक्सपीरियंस के लिए हमें चाहिए वो बड़ा इंचेंटमेंट ले लेते। अब बस आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ 5 इंचेंटमेंट 5 लेवल चाहिए होगा आप लोग को एक यहाँ पे बोतल को भरने के लिए गाइस। तो देखो जब आपको 5 लेवल हो जाएगा तो आपको होल्ड करना है स्क्रीन पे, तो आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस वाइज। तो ये देखो इस तरह से आप लोग इंचेंटमेंट भर सकते हो। तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे 5 इंचेंटमेंट चाहिए होगा तभी जाके 5 लेवल चाहिए होगा आपको, तभी जाकर आप लोग एक बोतल को भर सकते हो गाइस। तभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काफी सारे एक इंचेंटमेंट टेबल ले लेता हूँ, क्योंकि हमें इंचेंटमेंट टेबल की जरूरत पड़ेगी इसको क्राफ्ट करने के लिए गाइस। तो इंचेंटमेंट की टेबल हम लोग ले लेते हैं, और देखो इंचेंटमेंट टेबल तो मेरे को मिल चुका है। अभी हम लोग नॉर्मल उस वाली क्या इसको टेबल को क्राफ्ट कर सकते हैं गाइस। तो और हमें इसको क्राफ्ट करने के लिए लगाना पड़ेगा हमें ऑक्सीडियन और गोल्ड। ये देखो मैंने बना लिया ओवर इंचेंटमेंट टेबल गाइस। तभी आप लोग इसको रखोगे तो आपको इंचेंटमेंट नहीं दिखेगी गाइस। देखो मैं इसको प्लेस करके दिखा देता हूँ। तो इसको लिया और यहाँ प्लेस किया, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टोडम यहाँ पे टोडम एक एंचेंटमेंट टेबल टाइप का बन चुका है, पर यहाँ पे कोई भी एंचेंटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को इसमें कुछ क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपको यहाँ पे कुछ 5 बुक दिखेंगे, और 5 के अंदर काफी सारे एंचेंटमेंट है। आप लोग देखिए समझ नहीं पाओगे इसमें काफी सारे एंचेंटमेंट छुपे हुए हैं। तो बताऊंगा सभी एंचेंटमेंट को निकालने के लिए कई तरीका, और सभी आपको बुक्स क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो आप देखो सबसे पहले तो आप लोग 4 बोतल को रखोगे तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो एक्सपीरियंस कंप्रेस, और देख सकते हो सभी बुक की रेसिपी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ काफी सारे बुक्स, और सबसे पहले इसके लिए हमें काफी सारे बोतल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बोतल भर लेता हूँ काफी सारे, ठीक है गाइस। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट आउट, तो आज का शॉर्ट जाता है सभी लोग गाइस। तो शॉर्ट आउट टू ऑल ऑफ यू गाइस, और देख सकते हो निफिस गेमिंग टीजी ने लिखा सब्सक्राइब, तो जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो देख सकते हो मैंने सर्वाइवल में सभी चीजें भर ली है, बस ऊपर मत देखो कोई क्रिएटिव में नहीं गया था, कोई कहीं नहीं गया था। ये तो मैंने यहाँ पे देखो काफी सारी बोतल ले ली है। अभी यहाँ पे क्रिएटिव में लेने के यहाँ पे लेने के बाद सभी बोतल को यहाँ पे मेरे को लैपिस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी लैपिस के, और यहाँ पे बुक्स की जरूरत पड़ेगी गाइस। तो टोटल आपको लेना है, और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बनाना है कॉमन बुक गाइस। ये देखो कॉमन टोम बनाना पड़ेगा, कॉमन टोम बनाने की रेसिपी आप लोग देख सकते हो काफी ईजी है। उसके बाद आप लोग ये यहाँ बना सकते हो कंप्रेस्ड एक्सपीरियंस। तो इसको बनाने से पहले आप लोग देख सकते हो ये पिक टोम बनाने के लिए आपको चाहिए एक बुक, और यहाँ पे कंप्रेस्ड टोम चाहिए होते हैं, यहाँ पे बुक डालना पड़ेगा आपको रेयर टोम की गाइस। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो इस टाइप की रेसिपी है इसकी, जो कि अपना यहाँ क्या नाम है इसका भाई, ओके अनकॉमन टोम बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप से रखना पड़ेगा। तो अनकॉमन टोम बना लेते हैं, देखो अनकॉमन टोम बन चुका है। तो अभी देखो फिर से यहाँ पे बना लेते हैं कॉमन टोम, कॉमन टोम से हम लोग अनकॉमन टोम बना लिए गाइस। और अभी देखो अन लेजेंडरी बुक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ एक अलग बुक गाइस। तो यहाँ देखो कॉमन टोम हम लोग बना लिया, अभी हमें बनाना पड़ेगा ये वाली बुक गाइस। इसी वाली बुक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे ये कंप्रेस्ड एक्सपीरियंस। तो इसको हम लोग बना लेते गाइस। ये 4 बोतल आप लोग साथ में रखोगे तो आपको कंप्रेस्ड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग ये बना सकते हो रेयर टोम। तो देखो रेयर टोम मैंने बना ली,
तभी आ चुके टोटल हमारे पास 3 बुक्स। अब 3 बुक्स के हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी आपको लेजेंडरी बुक बनाने के लिए एपिक टोम रखना पड़ेगा, और रेयर टोम बनाने के लिए आपको यहाँ पे रखना, अनकॉमन टोम बनाने के लिए ये रखने पड़ेगा। तो देख सकते हो काफी है, मतलब उसके अंदर आपको एक और बुक रखनी पड़ेगी तभी जाकर आप लोग बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं एक और टोम, जिसके लिए आपको रखना पड़ेगा एक यहाँ पे रेयर टोम। तो एपिक टोम बना लेगा, और एपिक टोम रखोगे तो आपको लेजेंडरी बोर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सभी टोम बना लेते हैं एक करके गाइस। तो देखो कुल मिलाकर हम लोगों ने बना लिया टोटल 5 टोम, देख सकते हो 5 5 बुक आ चुके हैं हमारे पास। तभी मैं बताता हूँ आप लोग इसके अंदर से इंटरमेंट कैसे निकाल सकते हो गाइस। तो इंटरमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये बुक आपको दिख रही है गाइस। तो यहाँ सबसे पहले इपिक टोम है, कॉमन टोम है, तो चलो कॉमन टोम से स्टार्ट करते हैं गाइस। तब वो क्या करना है, होल्ड करना है। जैसे ही बुक को आप होल्ड करोगे आपके पास आ जाएगा, देख सकते हो लूर 4 का इंटरमेंट मेरे को मिल चुका है, जो कि अनकॉमन है गाइस। देख सकते हो लूर 4 होता ही नहीं है गेम में भी अपना। तो लूर 4 मिल चुका है, इपिक टोम से स्टार्ट करते गाइस। तो इपिक टोम में मिल चुका है नॉकबैक 3, जो कि नॉकबैक 2 ही होता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 3 मिल चुका है अनकॉमन टोम में। देखते गाइस तो इसके अंदर हमें मिला है क्विक चार्ज 4 गाइस। तो देख सकते हो अभी रेयर टोम के अंदर ये देखते हैं गाइस, और ये देख सकते हो इसके अंदर है लूटिंग 5, जो कि लूटिंग 5 होता ही नहीं है, 3 तक होता है। उसके बाद आता है एक्स के इंचारमेंट, जिससे आपको दे निकाल सकते हो सिर्फ लेजेंडरी बुक से गाइस। लेजेंडरी बुक काफी ज्यादा मुश्किल है बनाना गाइस, इसलिए इसमें काफी सारे एक्स के इंचारमेंट मिलते हैं। जैसे इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, और 1 2 एंड 3। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ओपन कर, और देख सकते हो शार्पनेस एक्स की बुक मिल चुकी है गाइस इसे यहाँ पे रेयर टोम से गाइस। तो देख सकते हो एक और हमारे पास रेयर टोम की बुक है, इसको भी ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और देख सकते हो इसमें रेस्पिरेशन एक्स की बुक है गाइस। तो इस तरह से आप लोग इसके अंदर से निकाल सकते हो, और हर एक बार आपको जब बुक खोलोगे आपको रैंडमली कोई भी इंटरमेंट मिल जाएगी देखने को। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप लोग खोलोगे तो एक ही इंटरमेंट आपको देखने को मिलेगी, सभी बुक से आपको अलग अलग टाइप की इंटरमेंट मिलेगी गाइस। जो अभी आप लोग लेजेंडरी टोम खोला उसके अंदर शार्पनेस निकला 5, यहाँ पे एक्स निकला, शार्पनेस एक्स निकला हमारा, यहाँ पे रिस्प्रेशन एक्स भी निकला, काफी सारे और भी निकल सकते थे गाइस। बाकी सारे जितने बुक है गाइस सभी के अंदर से अलग अलग टाइप के जाल लेवल ऑफ इंचारमेंट निकलेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे गाइस। तो इस तरह से आप लोग थोड़े से हम लोग और लेजेंडरी बुक्स खोल के देखते हैं गाइस, और देखते हैं क्या कौन सी इंचारमेंट और निकलती है गाइस। इसमें फॉर्च्यून एक्स भी निकलता है, एफिशिएंसी एक्स भी निकलता है, काफी सारे मस्त मस्त इंचारमेंट निकलते हैं गाइस। सभी को ओपन करके देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पे रिस्प्रेशन एक्स मिला, ओके एक और लूटिंग 5 की बुक मिली गई, और एक और खोल के देखते हैं तो इसके अंदर है प्रोटेक्शन एक्स गाइस। ओके इसको टेस्ट करते हैं रेस्पिरेशन एक्स फिर से, और ये देखो ये है अपना फॉर्च्यून एक्स गाइस, जो कि हमें चाहिए था फॉर्च्यून एक्स। तो इसको ट्राई करेंगे अभी हम लोग डायमंड के ऊपर। तो यहाँ देखो फेदर फॉलिंग एक्स गाइस, ओ भाई साहब यहाँ क्या ही मस्त निकल रहा है लूट, और इसके अंदर से निकल चुका है लूटिंग 5 गाइस फिर से। तो देख सकते हो लूटिंग 5 अगर लगाओ तो आप कुछ भी यहाँ पे वेदर स्केलेटन वगैरह चाहिए स्केल्थ वगैरह ले सकते हो गाइस काफी आसानी से। चलो गाइस अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काफी चीज, और चलो एक एक टेबल में लगा लेते हैं गाइस, अपना सॉर्ड में लगा लेते हैं और एक पिकेक्स में लगा लेते हैं ये दोनों इंचारमेंट को। तो इंचारमेंट लगाने की रेस्ट काफी ईजी गाइस, जैसे आप लोग नॉर्मली लगाते हो गाइस एनविल से से उसी तरह से आप लोग लगा सकते हैं। तो चलो लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सभी बुक्स को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पे लगा लेते हैं इंचेंटमेंट वाइज फिर से, यहाँ पे एनविल ले लेते हैं गाइस। और ये एनविल लेने के बाद अभी आपको लगा लेना है सभी इंचारमेंट को, यहाँ पे रख लेता हूँ एनविल और इसके अंदर इंचारमेंट लगा देता हूँ गाइस। ठीक है कोई अन्य रख, यहाँ पे आ गई अपना सॉर्ड, यहाँ रखा शार्पनेस एक्स की बन चुकी, देख सकते हो 20 अटैक डैमेज हो चुका है गाइस, 20 अटैक डैमेज। और यहाँ पे रख देते हैं हम लोग ये वाली पिकेक्स, और यहाँ पे रेस्पिरेशन रख देते गाइस, और यहाँ पे फॉर्च्यून एक्स रख देते हैं। और ये देखो फॉर्च्यून एक्स की 7 बन चुका हमारा बुक के गाइस, 7 देख सकते हो यहाँ पे फॉर्च्यून एक्स की पिकेक्स और शार्पनेस एक्स की सॉर्ड बन चुकी है। तो चलो शार्पनेस एक्स में यहाँ पे लूटिंग 5 भी लगा देते गाइस। तो देखो लूटिंग 5 भी लगा दिया हम लोगों ने, अभी देख सकते हो हमारा यहाँ पे ओपी बन चुकी है स्वॉर्ड एक्स की इंचारमेंट लग चुकी है दोनों में गाइस। तो देख ही सकते हो अभी। अब चलो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कुछ जॉम्बी और कुछ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे डायमंड से, और देखते हैं फॉर्च्यून एक्स से माइन करके यहाँ पे कि क्या निकलता है हमारे पास ये सारे ओर से क्या निकलता है। ठीक है चलो देख लेते हैं क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गेम मोड यहाँ पे, और यहाँ पे गेम मोड कर लेते हैं सर्वाइवल, और यहाँ पे अभी आप लोग क्या करना है और रखते हैं हम लोग अंदर। और देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले जॉम्बी को मार के देखते हैं, और देख सकते हो 1 हिट 1 किल हो रहेगा आपने एक्स की मदद से अपना गाइस। देख सकते हो यहाँ पे 20 अटैक डैमेज आपको देखने को मिल जाएगा सॉर्ड में गाइस, जो कि देख सकते हो काफी इजी है, आप लोग किसी को भी किल कर सकते हो। और चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं कहीं और ये डायमंड ओर, चलो अब देख लेते हैं गाइस डायमंड ओर को माइन करके देखेंगे क्या निकलता है गाइस। तो ये देखो पहला डायमंड हम लोगों ने माइन किया, और देख सकते हो इसको कर लिया और इसको भी कर देते हो, छोड़ो एक सेकंड। तो देख सकते हो एक और से हमें मिला 5 डायमंड गाइस, तो ये काफी कम मिल रहे हैं अभी। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ज्यादा मेरे को कब मिला था गाइस। देखो यहाँ पे मैंने एक और माइन किया तो मेरे को 12 हो चुके हैं, 4 ही निकला एक डायमंड से गाइस। उसके बाद फिर से एक और माइन करके देखते क्या निकलता है, काफी लगा देते। और चलो इस बार माइन करके देखते हैं, देख सकते हो 12 से 19 हो चुके गाइस, काफी सारे निकले इस बार। ओके इस बार 19 से 23 देख सकते हो कितने सारे निकले इस बार, और 23 से 34 भाई साहब मतलब डायरेक्ट 11 डायमंड अप हो चुके गाइस, मतलब क्या ही बात है फॉर्च्यून एक्स का कमाल, आप लोग सोच सकते हो क्या ही है। देख सकते उसके बाद मेरा लक खराब हो गया, देख सकते हो एक एक करके ही डायमंड निकल रहा था गाइस। चलो गाइस अब बता देता हूँ आप लोग इसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, किस तरह से एक्टिव कर सकते हो, और किस तरह से आप लोग इसको क्रिएटिव में भी ले सकते हो गाइस। चलो इस पर बढ़ देते हैं।
तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाएगा और क्लिक कर दीजिएगा लिंक पे, डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल को। गाइस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप लोग कर लेना एक नया वर्ल्ड क्रिएट, तो आप मैं कर लेता हूँ एक नया वर्ल्ड क्रिएट, क्रिएटिव कर लेगा और एक्सपेरिमेंट्स काउंट करना मत भूलिएगा वरना ये वर्क नहीं करेगा। रिसोर्स पैक में जाएगा, माय पैक में जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा कस्टम एन्वायरमेंट जिसको कर दीजिएगा आप लोग एक्टिव, और बियर पैक में भी जाकर के इसको कर दीजिएगा एक्टिव। गाइस दोनों को सिंपली आपको एक्टिव कर देना और सिंपली कर देना वर्ल्ड को क्रिएट। गाइस तो देख सकते हो अभी हम लोग हो चुके हैं स्पॉन, और स्पॉन होने के बाद आप लोग यहाँ पर अगर नीचे की ओर आओ तो आपको यहाँ पर सभी तरह के बुक देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप लोग इंचरमेंट निकाल सकते हो। गाइस तो बाकी मैंने बताया था किस तरह से आप लोग इन सभी बुक से इंचरमेंट निकाल सकते हो, अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो जाके देख लो पीछे गाइस। और हाँ गाइस अगर आप वीडियो चला हो तो लाइक करना मत भूलना गाइस, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो क्या कर रहे हो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आज भी बस इतने रखते गाइस, अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना गाइस, और अभी तक सॉल्डर की अप्लाई नहीं किया तो जा कर रहे हो जल्दी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको सॉल्डर चाहिए। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।